हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। सो आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो लास्ट ट्यूटोरियल में, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हमने कुछ डिटेल्स यहाँ पर जनरेट की थी नियर द व्हील्स ओवर हियर। सो यहाँ पर अब कुछ और डिटेल्स ये जो है वो क्रिएट अप करेंगे। सो इसके लिए यहाँ पर जाकर मैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में जाता हूँ और चैम्फर सिलेंडर ले लेता हूँ। सो ये व्यू में जाता हूँ और एक चैम्फर सिलेंडर क्रिएट कर लेता हूँ। सो चैम्फर सिलेंडर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, इसका जो रेडियस है थोड़ा इंक्रीज करके और इसे फिलेट देना भी ज़रूरी है, फिलेट सेगमेंट्स देना ज़रूरी है। ऐसे हम फिलेट दे सकते हैं इस तरह से, और इसकी जो हाइट है वो भी हम इसकी इंक्रीज करेंगे, और इसे इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज करेंगे और इसकी हाइट थोड़ी सी कम करेंगे। सो ये व्यू में जाकर थोड़ा सा इसे हल्की सी हाइट थोड़ी इंक्रीज करेंगे और इसकी जो फिलेट है वो और बढ़ा सकते हो आप, इसे ऊपर प्लेस करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जाकर इसे ऊपर लेता हूँ हाइट और थोड़ा सा रेडियस। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ इसे। सो पॉलीगन्स में जाएंगे इसके और पॉलीगन्स को थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह से पुट करेंगे। इसके बाद इसी को मैं एक और डुप्लीकेट कर लेता हूं थोड़ा सा अंदर लेंगे इसे। ये व्यू में जाकर एक बॉक्स लेता हूं तो ये बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और बॉक्स की जो हाइट, फिलहाल ये व्यू से बनाए इसलिए हाइट इस तरह से आ रहा है आपका, यहाँ पर क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा स्केल करेंगे इसे और यहाँ पर जाकर इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। इसकी एज सेलेक्ट करता हूँ और इसे थोड़ा सा चैम्फर देंगे यहाँ पर। सो इसकी भी एज सेलेक्ट करेंगे, इसे मैं चैम्फर दे देता हूँ। सो जहाँ पे आपको चैम्फर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम इसे चैम्फर इजीली दे सकते हैं। सो इस तरह से आप इसे थोड़ा थोड़ा चैम्फर दे दीजिए। चैम्फर देने के बाद यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैं इस तरह से एडजस्ट अप करूँगा और एक सिलेंडर लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर, थोड़ा सा पुश आउट करता हूँ बाहर और इसकी जो हाइट सेगमेंट्स है वो थोड़ी सी कम करेंगे, थोड़ा सा अंदर पुश करता हूं। सो कन्वर्ट टू पॉली करता हूं और इसे इंसेट कर लेता हूं और इसे एक्सट्रूड करता हूं। सो यहां पर जाकर
फिर से एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर मैं प्लेस कर लेता हूँ, इसकी एज सेलेक्ट करके रिंग करता हूँ, कंट्रोल क्लिक ऑन पॉलीगन, और इसे ओके कर लेते हैं। सेव कर लीजिए फाइल। यहां पर जाकर ये सेम चीजें हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो यहां पर इसको हम यहां से डुप्लीकेट करेंगे और इसे मैं यहां से मिरर कर लेता हूं एक्स एक्सिस में और इसे ओके कर लेता हूं। So, यहां पर जाकर एक और लाइन टूल लेता हूं, ऑटो ग्रिड में ऑफ कर लेता हूं इसकी, सो वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसको फिलेट देता हूं। यहां पे प्लेस करता हूं, रेंडरिंग में जाएंगे, एनेबल इन व्यूपोर्ट करता हूं और इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूं, राइट क्लिक करता हूं, रिफाइन करता हूं और स्लाइटली इसके जो वर्टाइसेस है वो मैं बाहर पुश करता और इसकी जो थिकनेस है वो कम कर लेता। तो आप इसे थोड़ा सा बाहर पुश आउट कर सकते हो, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम कर सकते हो, इसके बाद मटेरियल में जाता हूँ, एक मटेरियल असाइन कर लेता हूँ और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो जो रिक्वायरमेंट्स हमें यहाँ पर चाहिए थी वो हमने यहाँ पर क्रिएट की। अब यहां पर जाएंगे, सो वर्टाइसेस में जाकर थोड़ा आगे पुश करेंगे, इसी की डुप्लीकेट करेंगे, इसको और इसको सेलेक्ट करके इसको मैं मिरर कर लेता हूँ वाई एक्सिस में और एक कॉपी बना लेता हूँ। टॉप व्यू में जाएंगे इस तरह से, अब सेम चीज जो है यहाँ पर ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सारी चीज़ों को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारी डिटेल्स है यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे।
आपको लगता है आप इसे ग्रुप कर सकते हो? तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। कोई चीज आपकी मिस आउट हो गई है तो आप चेक कर लीजिए और इसे परफेक्टली सेलेक्ट कर लीजिए। सो इसे मैं मिरर कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ और इसे मैं प्लेस कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसकी डुप्लीकेट बनाई, एक और डुप्लीकेट में यहाँ पर आकर प्लेस कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम चीज यहाँ पर भी हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं। वाई एक्सेस में टॉप व्यू में जाएंगे और इसे मैं इस तरह से पुट ऑन कर लेता हूँ। सो और इसे सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे और इसी की मिरर करेंगे। यहां से एक कॉपी बना लेता हूं इसका इस तरह से और सेम इसको हम मिरर करेंगे सेम कॉपी। यहाँ पर आप प्लेस कर लीजिए इस तरह से। तो आपकी यहाँ पर भी इसकी एक और जो डुप्लीकेट है वो हमने यहाँ पर इजीली क्रिएट कर लिए। आप इसे सेव कर लीजिए। तो जो जो डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है वो हमने यहाँ पर जनरेट की है। तो इसे सेलेक्ट करता हूँ, पॉलीगन्स में जाएंगे, इंसर्ट कर लेता हूँ और इसे बेवल कर लेता हूँ। और इसे हमने ग्रुप किया, इसे अनग्रुप करता हूँ और इसकी और दो कॉपीज जो है वो मैं इजिली यहाँ पर बना लेता हूँ। तो इसे हम सेव करते जाएंगे। सो काफी हेल्दी डिटेल्स हमने जनरेट कर ली है। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए यहां पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।